हे दोस्तों, यहाँ पर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको इस फोन को इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको कोई और फोन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रंट में आपको पंच होल या फिर नॉच देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पॉपअप सेल्फी मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिलता है तो इस वजह से यहाँ पर आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मोटोरोला ने फुल व्यू डिस्प्ले देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि मोटोरोला ने बहुत दिनों बाद एक अच्छा प्रोसेसर का यूज किया है और वो भी इस फोन में। और इस तरफ बात करें इसके कैमरे की तो यहाँ पर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि चार कैमरा पीछे देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन सेंसर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, सेकेंड कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस के साथ, थर्ड में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और लास्ट में आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और इस तरफ बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और वो भी पॉपअप मैकेनिज्म के साथ। और अभी आखिर में रह जाता है इसका बैटरी, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का बिग बैटरी देखने को मिल जाएगा और शायद यहाँ पर आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि शायद इसमें आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, एकदम लेटेस्ट OS सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस फोन के ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एकदम पावर पैक फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेसर है, कैमरा है, डिस्प्ले है, बैटरी है, एकदम झकास आपको देखने को मिलेगा दूसरे कोई भी फोन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर मिलता है। अच्छा इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और साथ में यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और मुझे जो सबसे बढ़िया लगा कि इस फोन में आपको कोई भी नॉच या पंच होल नहीं मिलता है, एकदम फुल व्यू डिस्प्ले आपको यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से इस फोन में मिल जाता है। और लास्ट में अभी हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये फोन लॉन्च नहीं हुआ था, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग हम इसका नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये फोन आपको 15,000 से 20,000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो इसका प्राइस मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो अगर आप चाहे तो वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अभी बात ये आता है कि क्या आपको इस फोन को इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अगर ये फोन 20,000 के नीचे यानी कि 15,000 के आसपास लॉन्च करता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाएगा मोटोरोला के ब्रांड की तरफ से, क्योंकि अगर आप मोटोरोला का फैन है तो आपके लिए ये फोन सबसे बेस्ट रहेगा इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।